हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे मैंने आप लोगों को कल के ब्लॉग में बताया था कि मैं कल एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो शूट करने वाली हूँ, तो ये पूरा उसकी तैयारी हो रही है। मैंने दो ब्लाउज निकाल के रखा है, एक गोल्डन एक ग्रीन। आई एम गोइंग टू वेयर दिस साड़ी, क्योंकि आज का वीडियो मैं पूरा ये साड़ी पहन के शूट करने वाली हूँ। एक्सेसरीज़ निकाल के रखा है, बैंगल्स निकाल के रखा है, हेयर एक्सेसरीज़ निकाल के रखा है। सो लेट्स क्विकली चेंज एंड देन आई विल मीट यू। सो ये देखिए, मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने ये मस्त मरून कलर का साड़ी पहना है विद ग्रीन कलर ब्लाउज़, और अभी हल्का सा मेकअप करूँगी और थोड़ा सा हेयर करूँगी। और मैंने स्पेशली ये साड़ी इसलिए पहना है क्योंकि जो वीडियो आज मैं बनाने वाली दैट इज़ रिलेटेड टू साड़ीज़ ओनली, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद एक साड़ी पहन के वो वीडियो बनाऊँगी ताकि उसका इम्पैक्ट और अच्छा दिखे, देखने में भी आप लोग को उतना वो अट्रैक्टिव लगे। सो आई एम रेडी। और आज मैंने बैंगल्स भी पहना है, ये जो डायमंड वाला आप देख रहे हो इसको यूज़ किया क्योंकि बहुत परफेक्टली मैच हो रहा है। डायमंड है, ग्रीन है और मरून कॉम्बिनेशन, तो इसके साथ बहुत अच्छे से जा रहा है। और ये ब्लाउज़ मैंने जब वास्तु पूजा किया था इस घर का तभी पहना था, उसके बाद आज 6 महीने बाद मैंने यूज़ किया क्योंकि इसका ब्लाउज़ मुझे मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ रख दिया है, ढूंढ रही हूँ कब से लेकिन नहीं मिल रहा है। और ऐसे टाइम एंड टाइम में ना नहीं मिलता है। साड़ी मैंने कल रात को ही निकाल दिया था, ब्लाउज अवेल एक बाद में निकालती हूँ लेकिन सुबह से ढूंढ रही हूँ नहीं मिल रहा है। सो एनीवेज ये तो अभी अच्छे से मैच हो गया है, आज की वीडियो के लिए चल जाएगा। सो अभी मैं क्विकली रेडी होने वाली हूँ। और जब भी मैं ऐसा कोई डेडिकेटेड वीडियो बनाती हूँ ना कि मुझे बस वही टॉपिक पर बात करना है, व्लॉग्स में तो कैसे मैं सुबह से उठती हूँ तब से लेके ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद फ्रेश हो जाती हूँ, फिर किचन में जाती हूँ, तो सब ऐसा लिंक में आप लोग के साथ पूरा वीडियो शेयर करती हूँ। बट डेडिकेटेड वीडियो में क्या होता है कि वो सब नहीं हो पाता है, मुझे पहले ही पूरा काम खत्म करना पड़ता है। तो मैं पूरा किचन का कुकिंग काम खत्म करके आई हूँ, चपाती भाजी दाल राइस सैलेड सब रेडी करके आई हूँ। सिर्फ मम्मा को अभी 1 बजे गरम गरम डैडी को गरम करके सर्व करना है। सो ये पूरा काम खत्म करके, क्योंकि अब ये साड़ी पहन के मैं मेकअप करके फिर वापस किचन में नहीं जा सकती हूँ, इट्स वेरी हॉट। तो इसके लिए जब डेडिकेटेड वीडियो बनाती हूँ तो मैं पहले पूरा कुकिंग पार्ट खत्म कर लेती हूँ और उसके बाद मेरे वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सो अभी मैंने 12:15 बजे स्टार्ट किया है, अभी आई डोंट नो कितने बजे तक ये खत्म होगा, बिकॉज आई एम शूटिंग 3 वीडियोज़ टुगेदर। एक तो मैं ये व्लॉग बना रही हूँ कि कैसे मैं बिहाइंड द सीन आपको दिखा रही हूँ कि कैसे एक वीडियो शूट होता है, कैसे तैयारी करते यूट्यूबर्स इफ़ यू आर अ हाउसवाइफ और यूट्यूब साथ में करो तो कैसे प्रिपेरेशन होता है, तो ये एक वीडियो बन रहा है। सेकेंड में एक छोटा सा बेसिक मेकअप लुक का वीडियो बनाने वाली हूँ कि नॉर्मल फटाफट कैसे रेडी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जन मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि आपका मेकअप लुक शेयर कीजिए, आप कैसे रेडी होते हो जब आप शूट करते हो यूट्यूब के लिए या इन जनरल भी आप कैसे रेडी होते हो। तो आई थर्ड अभी मैंने इतना अच्छा साड़ी पहन लिया तो चलो एक वो वाला वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। एंड थर्ड ऑब्वियसली जो मेरा मेन वीडियो जो मैं शूट कर रही हूँ कि आप घर से कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो इफ़ यू आर अ बिगनर या आपका जॉब छूट गया तो आप घर से कैसे स्टार्ट कर सकते हो, उस पर मेन मेरा वो वीडियो शूट होने वाला है। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके देख लेना। इट्स अ वेरी वेरी हेल्पफुल वीडियो अगर आपको घर से बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैंने बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है। आई हैव गिवन माई बेस्ट कि मैं अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन करूँ कि घर बैठे आप कैसे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सो येस, अभी जाते पहले भगवान जी के पैर पड़ लेते, फिर मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो मैं आपको किचन में भी दिखा देती हूँ, ये गर्म पानी बॉईल करके रखा है जो मैं परू और मम्मा पीते हैं, हम लोग बॉईल पानी पी रहे हैं अभी कितने महीनों से। और यहाँ पे बनाया है बैंगन बटाटे की मसाले वाली भाजी, जो तवे पे जिस तवे पे मैंने चपाती बनाया उसी तवे पे इस भाजी को बनाया, तवे वाली भाजी बोलते हैं, ये मम्मी की स्टाइल है। और यहाँ पर सादा वरण है जो परी के लिए है क्योंकि परू ज़्यादा तीखा नहीं खाती है, फोड़नी वाला कभी कभी नहीं खाती है। और ये है सिंगदाना डाल के, सिंग फली डाल के जो बनाते ना वो वाला दाल बनाया मैंने मेरी मम्मी के स्टाइल का, तो वो हम लोग के लिए बनाया। अगर परी ये खाएगी तो ठीक है, वरना फिर उसके लिए प्लेन दाल तो है ही। और दाल राइस बन गया है, ये रहा सैलेड। और अभी मम्मी सर्व करते वक्त दही भी सर्व कर देगी और मैंगो भी सर्व कर देगी। तो फूड मम्मी का पूजा करके भी हो गया और मैंने आपको दिखा भी दिया कि मैंने आज लंच में क्या बनाया है। तो मैं पूरी तरह फ्री हो चुकी हूँ अभी मेरे वीडियोस शूट करने के लिए। मशीन भी मैंने लगा दिया है, मशीन भी अभी 10 मिनट में हो जाएगा, तो वो कपड़े मैं निकाल के दे दूँगी तो मम्मी या तो डैडी आज लगा देंगे। और ये रही सानू, मेरे पीछे 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 घूम रही है, सोच रही है मम्मी आज क्या कर रही है, साड़ी क्यों पहना है मम्मी ने। नॉर्मली आई डोंट वेयर साड़ी ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो वो सोच रही है क्या करूँ। और यहाँ पे मैं मेरा ट्राईपॉड लेकर आई हूँ, अभी सोच रही हूँ कि मैं फर्स्ट जो मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ वो कहाँ पर बैठ के क्रिएट करूँ, मैं जगह डिसाइड करूँ। तो यहाँ पे मैंने एसी ऑन कर दिया क्योंकि साड़ी पहना है मुझे बहुत गर्म हो रहा है, तो इसलिए मैंने एसी ऑन करके रखा था। आई एम थिंकिंग कि मैं यहाँ पर ही बैठ के इस तरफ से वीडियो शूट करूँ क्योंकि सनलाइट यहाँ से अच्छा आ रहा है, तो अच्छे से वीडियो शूट होगा। सो चलिए अभी मैं
अपना वो वाला वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो मेरा हेयर करके हो चुका है, ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से मेरा हेयर किया है जो साड़ी के साथ अच्छे से एक लुक दे सके। और ये मेरा जो रोज़ है मेरा वन ऑफ माय फेवरेट, मैं मोस्टली हर साड़ी में इसी को यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे जन को पसंद भी आया था। तो यस माय हेयर इज़ डन, जैसे तैसे मैंने बना दिया। और मैंने यहाँ पर पूरा मेकअप का भी तैयारी करके रख दिया है, सब मेकअप निकाल के रखा है, उतना ही निकाला है जितना मैं यूज़ करने वाली हूँ। और इतने से ही प्रोडक्ट में मैं आज मेरा पूरा मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। और ये रहा ट्राईपॉड, सब इसको सेट करती हूँ और मेरा मेकअप वीडियो शूट करना स्टार्ट करती हूँ। मैंने ये जगह सिलेक्ट की थी वीडियो शूट करने के, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा है, सिंस दिस इज़ अ एक्रेलिक मेरा पीछे देखे कैमरा दिख रहा है, सो इट विल नॉट लुक नाइस। अभी मुझे जगह चेंज करना पड़ेगा, सो आई एम थिंकिंग वो उस तरफ कैमरा करके बैठ जाऊँ इस तरफ, और यहाँ पे चेयर ले लूँ। तो ऐसा स्ट्रगल करना पड़ता है कभी कभी बराबर दिखने के लिए। सो आई थिंक दिस इज़ ओके, ये भी अच्छा ही लग रहा है, कुछ बुरा तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे बैठ के मैं थोड़ा यहाँ ले लेती हूँ, यहाँ पे बैठ के कर सकती हूँ। अब मैं सुशांत के रूम में जाऊँगी तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, बहुत सीमेंट का काम चल रहा है, तो पूरा मशीन सीमेंट बना रही है, तो वहाँ बहुत नॉइज़ आ रहा है। यहाँ पे एकदम शांत है तो मैं अच्छे से वीडियो शूट कर पाऊँगी। तो कभी कभी ऐसी डिफ़िकल्टी भी आती है कि कभी आप शूट करने बैठ जाते हैं और फिर कुछ ना कुछ निकल आता है, फिर लोकेशन चेंज करते रहना पड़ता है। तो आई एम थिंकिंग ये भी अच्छा ही लग रहा है यहाँ पर। तो ये देखिए मैंने ये फाइनल सिलेक्ट कर लिया कि मैं यहीं पे बैठ के मेकअप वीडियो शूट करती हूँ। और ये मैंने थोड़ा सा वहाँ से वास निकाल के यहाँ पे रख दिया, थोड़ा अच्छा दिख रहा है, स्क्रीन में थोड़ा कुछ दिख रहा है। और विंडो का कर्टन पूरा खोल दिया क्योंकि मेरे पास रिंग लाइट नहीं है, अब तक मैंने रिंग लाइट नहीं खरीदा है, इन फ्यूचर देखूंगी अगर रिक्वायरमेंट होगा तो, वरना नहीं खरीदूंगी। तो अब तक तो रिंग लाइट नहीं है, तो विदाउट रिंग लाइट है, जो भी सीलिंग का लाइट है वो सब ऑन कर दिया और कर्टन साइड कर दिया, तो अच्छा देखिए ब्राइटनेस दिख रहा है। सो आई एम ऑल सेट नाउ टू शूट माय वीडियो फाइनली, अब पूरा हो चुका है, अब सिर्फ वीडियो शूट करना है। तो चलिए अभी मैं पूरा शूट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर आप लोग को मिलती हूँ। मेरा फाइनली मेकअप लुक वाला वीडियो शूट करके हो गया, ये कुछ फाइनल ऐसा लुक मैंने क्रिएट किया है, सिंपल लुक क्रिएट किया है। तो मेरा शूट करके हो गया है अब, और यहाँ पे देखिए कितना पूरा मेकअप जो मैंने क्रिएट किया उसका कितना सारा मेरा प्रोडक्ट ऐसे ही पड़ा है। अब पहले इसको भी सबमिट लूँगी, खाना से बाद में मेरा वो वाला वीडियो स्टार्ट करूँगी, वरना सब एक साथ मैसी हो जाएगा, ये भी और वो भी, फिर मुझे पूरा समेटने में बहुत टाइम जाएगा। उससे जब मैं एक एक कर करके आगे बढ़ते जाऊँ तो फिर रख देती हूँ, बाद में अपने अपनी जगह पे लगा दूंगी, बट एटलीस्ट यहाँ से क्लियर कर देती हूँ और अपना मेन वीडियो फिर शूट करना स्टार्ट कर लूँगी। करके हो गया तो ये सारी जो मैं मम्मी के रूम से लेकर आई थी वापस जाके उनके वार्डरोब में जगह पे रख देती हूँ। निशु नहीं है ना, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, अगर निशु होती तो फटाफट मैं अपना एंगल सेट करके बैठ जाती थी और सिर्फ निशु को कैमरा दे देती थी, तो निशु बराबर शूट कर लेते। अभी मुझे क्या करना पड़ रहा है, सब जगह ट्राईपॉड लेके जाना पड़ रहा है, ट्राईपॉड सेट करना पड़ रहा है, फिर बैठ के देखना पड़ रहा है कि बराबर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एंड देन आई एम शूटिंग। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेंथी प्रोसेस हो रहा है, तो इसके लिए फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे एक साथ तीन तीन चीज़ में शूट करूँ ना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, बट ये आई एम एन्जॉइंग। तो अभी ये पार्ट तो हो गया मेरा शूट करके, अब सिर्फ मुझे लास्ट फाइनल पार्ट शूट करना है, उसके बाद मेरा हो गया, देन आई एम गोइंग टू चेंज एवरी थिंग, देन आई एम गोइंग टू गो और कपड़े सुखाने, तो उसके बाद मैं कपड़े सुखाने जाऊँगी। यहाँ पे मेरा सारा मेकअप मैंने रखा था, जो मेकअप शूट करने के बाद, वीडियो शूट करने के बाद रखा हुआ था वो यहाँ पे था, तो वो सब मैंने अपने जगह पे रख दिया। बेड पूरा मैसी हुआ पड़ा था, जो कपड़े घड़ी करके रखे थे वो भी वहाँ पे थे, वो भी मैंने सब अंदर वार्डरोब पे डाल दिया, सो वो अपने जगह पे चले गए। और मैंने जो ज्वेलरी पहना था, बैंगल्स पहना था, हेयर एक्सेसरी, वो सब यहाँ पे रख दिया था निकाल के, और वो भी मैंने जगह पे रख दिया, वार्डरोब पे रख दिया, ड्रेसिंग टेबल पे, सब चीज़ अपने अपने जगह पे रख दिया। सो नाउ माय रूम इज़ लुकिंग सो नाइस, अच्छे से नीट क्लीन दिख रहा है, सब चीज़ अपने जगह पे गया, तो अभी मुझे अच्छा फील हो रहा है। अब मैं फाइनली आराम से बैठ के अपना एडिटिंग स्टार्ट करूंगी। 8:30 हो गया, अभी डिनर टाइम है, तो आज भाकरी मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए धीरे धीरे मैं अपनी भाकरी बना रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ अच्छे से बनाने की, सो लेट्स सी हाउ इट विल टर्न आउट। मेरी भाकरी तो मम्मी जैसी नहीं बनती, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, बट ये काम चलाओ बन जाती है, टाइम निकल जाएगा वैसे बन जाती है।
भाकरी रेडी हो चुकी है और आप प्लीज़ इसे जज मत कीजिए, क्योंकि मुझे पता है ये राउंड नहीं बना है, बट एटलीस्ट अच्छे से बन गया है। और ये देखिए भाकरी एकदम पतली बनाई है और सॉफ्ट है खाने में, ऐसे तो बहुत अच्छी बनी है, काम चलाओ। और दोनों बाजू से मैंने अच्छे से उसको सेक दिया है, बहुत अच्छी नरम बनी है, मम्मी के जैसी उतनी बड़ी और गोल नहीं बनी, बट जो भी बना है अच्छा बना है, तो प्लीज़ इसको जज मत करना आप लोग। क्वांटिटी तो दो भाकरी का ही लिया था, लेकिन मैं छोटा बनाती हूँ बोल के एक नीचे दो, और ये रही तीसरी, तीन भाकरी बन गए टोटल, दो के जिसमें मम्मा दो बनाती थी मेरा तीन बन गया, क्योंकि साइज़ छोटी हो गई है। और ये दो भाकरी मैंने इसमें रख दिया है, और ये इस तवे पे ही रखा है क्योंकि तवा भी गर्म है, और मम्मी को तवे पर रखा हुआ ही भाकरी पसंद है क्योंकि गर्म गर्म रहता है। तो ये मम्मी का भाकरी है जो थोड़ा भी हार्ड हो जाएगा, और ये सॉफ्ट वाले जो मैं अभी डैडी को सर्व कर दूँगी। होप आप लोग को आज का ये बिहाइंड द सीन वाला वीडियो पसंद आया होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ पूरा शेयर करने में प्रोसेस के, कैसे बिहाइंड द सीन सब कुछ होता है, कैसे हम लोग एक वीडियो शूट करते, सेटअप करते, सब कुछ अरेंज करते, कैसे एक हाउसवाइफ और एक यूट्यूबर को कैसे सब मैनेज करना पड़ता है, अगर कोई वीडियो शूट करना हो तो सब कैसे अरेंज होता है, कैसे हम लोग शूट करते, तो वो सब मैंने आप लोग के साथ थोड़ा सा शेयर किया। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, आप लोग ने भी एंजॉय किया होगा बिहाइंड द सीन वाला ब्लॉग देख के। फॉर अ चेंज आज का ब्लॉग कुछ अलग था, एंड आई नो ये तो लास्ट में जाएगा, पहले वो दो वीडियो आएगा उसके बाद ये वाला वीडियो आएगा। सो येस दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसको प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बी अ पार्ट ऑफ माय यूट्यूब फैमिली। और आज का डे बहुत ही हेक्टिक था, वो तो मुझे पता ही था कि आज हेक्टिक होने वाला है। तीन वीडियो मैंने शूट किए, आई थिंक 4-5 रील्स मैंने शूट किए इंस्टाग्राम के लिए भी और यूट्यूब के लिए भी। आपको मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट नेम दिख रहा होगा, नीचे फ्लैश हो रहा है, आप जाके इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैंने आज दो रील्स अपलोड किए, वो भी आप लोग देख लेना, कि आई होप आप लोगों को वो भी पसंद आए। सो येस, लेकिन जैसा भी था दिन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से गया, हेक्टिक था थोड़ा क्योंकि मैं दोपहर को भी बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाई, मुझे सब चीज़ वाइंड अप करते करते, मतलब सब चीज़ जगह पे रखते रखते, पूरा रूम साफ करते करते मुझे 4:30-4:45 बज गए, और फिर 5 बजे वापस पानी आ गया, तो मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाई। बट आई हैव नो रिग्रेट्स, नो कंप्लेंट, आई एन्जॉयड शूटिंग द होल डे, मुझे बहुत अच्छा लगा, इट वॉज़ फन। और तीन मेरे वीडियो शूट हो गए, वो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है, उसमें से दो वीडियो मेरे एडिट भी हो गए अब तक। अभी कितने 11:30 बज रहा है, दो वीडियो मैं एडिट भी कर चुकी हूँ, एक ही बचा जो ये जिसका मैं शूट अभी कर रही हूँ, तो ये तो वैसे भी टाइम है जाने के लिए। सो येस दिस इज इट, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक ले बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।